नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चित्रकला क्लासेज में। दोस्तों, जैसा कि हम आप लोगों के लिए 1 से लेकर के 125 प्रश्न लेकर के आ रहे हैं, तो यह वीडियो 3rd है, ठीक है। तो आप हमारे वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करते रहें और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न देख लीजिए कि 71 का प्रश्न आप लोगों से पूछे थे हम, किस रंग में कार्य करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2nd पेस्टल। जिन लोगों ने पेस्टल कमेंट किया है तो उनका सही है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का नाम बताइए, ठीक है। ऑप्शन देखिए, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, मायावती, सुचेता कृपलानी। तो इसमें से प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, 72 का कमेंट करें आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश का प्रथम महिला मुख्यमंत्री है सुचेता कृपलानी, ठीक है। और एक आप लोग और बताइएगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला राज्यपाल कौन है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, तुलसीदास द्वारा लिखा ग्रंथ कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, साकेत, रामायण, महाभारत, रामचरित्र मानस। तो तुलसीदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है वह है रामचरित्र मानस। राइट आंसर होगा आपका 4th। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति कौन सा है। ऑप्शन देखिए, गीता, कामायनी, गीतांजलि, मधुशाला। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2nd गीतांजलि, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का रचना है ये, ठीक है, गीतांजलि। आप लोग भी कमेंट करते चले हमारे साथ साथ। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा में कौन सा चित्र अंकित है। ऑप्शन देखिए, बनी ठनी, पद्म पाड़ी, मोनालिसा, वीनस का जन्म। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 2nd पद्म पाणी। अजंता की गुफा में पद्म पाणी जो है चित्र अंकित है, ठीक है। दोस्तों, यदि आप DSSB, KBS, NBS, TGT, PGT, यदि BA आर्ट और MA आर्ट से हैं आप लोग, और जो स्टूडेंट बैचलर ऑफ़ फाइन आर्ट्स, मास्टर ऑफ़ फाइन आर्ट्स की इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देखें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल से कुछ सीखें, ठीक है। नेक्स्ट है, जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, आगरा। तो जहांगीर आर्ट गैलरी आपका मुंबई में है। राइट आंसर होगा आपका 2nd मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट है, ऑफसेट छपाई में रंग कितने होते हैं। ऑप्शन है, 7 रंग, 3 रंग, 4 रंग, 2 कलर, ठीक है। तो ऑफसेट प्रिंटिंग में आपका 4 कलर होते हैं, ठीक है, यानी 4 रंग होते हैं, ठीक है। और कौन कौन से होते हैं 4 रंग में, आपका CMYK, ठीक है, श्याम, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, काला, ठीक है, ये 4 कलर होते हैं ऑफसेट छपाई में। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र गुवेर्निका में क्या दिखाया गया है। ऑप्शन है, प्रकृति चित्रण, नारी चित्रण, माता का प्रेम, भयानकता। तो गुवेर्निका में क्या दिखाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 4th भयानकता, ठीक है। और गुवेर्निका जो है पिकासो की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध अशोक स्तंभ शीर्ष कहाँ पर है। ऑप्शन देखिए, आगरा, सारनाथ, व दिल्ली और इलाहाबाद। तो अशोक स्तंभ जो है वह सारनाथ में स्थित है और यह वाराणसी से 4 या 5 मील की दूरी पर स्थित है, ठीक है, और यहीं पर आपका अशोक स्तंभ स्थित है, ठीक है, सारनाथ संग्रहालय में रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सा रंग मिट्टी से निर्मित नहीं है। ऑप्शन है, गेरू, रामरज, खड़िया, नीला। तो इसमें से गेरू से निर्मित
नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा आपका फोर्थ नील। ठीक है, नील जो है मिट्टी से निर्मित नहीं है। नेक्स्ट है, बामियान की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ठीक है, ऑप्शन देखिए, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान। तो बामियान की गुफा अफगानिस्तान में है। ठीक है, नेक्स्ट है, एफिल टावर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली। तो एफिल टावर आपका फ्रांस में स्थित है, यानी पेरिस में। ठीक है, नेक्स्ट है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन है 9, 7, 5, 12। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, 7 होते हैं। नेक्स्ट है, किस पुरानी लिपि को पूरा रंगीन बनाया गया है? अनारकली, मुगले आजम, सोले दीवार, सॉरी पुरानी फिल्म को पूरा रंगीन बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड, सोले को। ठीक है, सोले फिल्म को पूर्ण रूप से रंगीन बनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन चित्रकार पहले सिनेमा पोस्टर बनाता था? ऑप्शन है नंदलाल बोस, हुसैन, असित कुमार हल्दर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो पहले इसमें सिनेमा पोस्टरों में काम करने वाले जो थे वह थे हुसैन। ठीक है, पूरा नाम इनका है मकबूल फिदा हुसैन। नेक्स्ट है, इनमें से कौन चित्रकार फिल्म निर्माता भी है? ऑप्शन देखिए, हुसैन, रणवीर सिंह विष्ट, जे स्वामीनाथन, विशी शान्याल, यानी भावेश चंद शान्याल। कौन से चित्रकार फिल्म निर्माता भी है? 86 का होगा एक हुसैन। ठीक है, इनके एक दो फिल्मों का नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पॉटरी सिरेमिक कलाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, के बी जैना, के एस कुलकर्णी, ए पी गज्जर, दिनेश प्रताप सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा के बी जैना। ठीक है, यह प्रसिद्ध पॉटरी सिरेमिक कलाकार हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन हैं? नित्यानंद महापात्र, श्रीधर महापात्र, रामगोपाल विजयवर्गीय, रामेश्वर ब्रूटा। तो इसमें से मूर्तिकार कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका श्रीधर महापात्र। नेक्स्ट है, चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध हैं? अलीगढ़, खुर्जा, बुलंदशहर, फिरोजाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन आपका खुर्जा के लिए, खुर्जा में प्रसिद्ध है। ठीक है, चूड़ी कांच का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथरस, खुर्जा, फिरोजशाह, फिरोजाबाद, गाजियाबाद। तो कांच की जो चूड़ियाँ हैं आपका निजामा फिरोजाबाद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहाँ पर प्रसिद्ध है। चिकन कढ़ाई कहाँ प्रसिद्ध है? बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा। चिकनकारी, जो चिकनकारी या चिकन कढ़ाई लखनऊ के लिए जाना जाता है और लखनऊ में बहुत ही फेमस है चिकनकारी। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध हवा महल किस शहर में स्थित है? ऑप्शन देखिए, आगरा, जयपुर, ग्वालियर, तंजौर। तो प्रसिद्ध हवा महल आपका जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, अप्लाइड आर्ट किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, स्लाइड बनाना, कमर्शियल आर्ट, छपाईकार, एक्रेलिक चित्रण। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड, कमर्शियल आर्ट। नेक्स्ट है, किस कलाकार की माता विदेश मूल की थी? ऑप्शन देखिए, अमिता शेरगिल, अवनिंदा टैगोर, यामिनी राय, एन एस बेंद्रे। तो इसमें से विदेश मूल की किस कलाकार की माता थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक, अमृता शेरगिल। इनमें से कौन सी लोक कला कहलाती है? सामान्य सजावट, चौकापूर्णा, पूजा पाठ, फोटोग्राफी। तो इनमें से लोक कला कौन सी है? ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा सेकंड, चौकापूर्णा, यह लोक कला है। नेक्स्ट है, भारत के सुदूर दक्षिण में कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी, रामेश्वर, चेन्नई, तंजौर। तो भारत के सुदूर दक्षिण में आपका कन्याकुमारी स्थित है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, गोवर्धन पर्वत। विश्व की सबसे ऊंची चोटी,
तो इसका राइट आंसर होगा आपका एक कंचनजंगा। सप्तऋषि में कितने तारे होते हैं? सप्तऋषि में आपका कितने तारे होते हैं? 5, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड 7 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, तिरंगा झंडा में कुल कितने रंग होते हैं? 3, 4, 3, 4, 4, 2। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? तो इसमें होगा आपका 4। ठीक है, नेक्स्ट है, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? राष्ट्रीय पुष्प, तो राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कमल। ठीक है, कमल जो है राष्ट्रीय पुष्प है। तो यह आपका 100 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 101 से 125 प्रश्न हल करा देंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।